अभी चलिए आज का ऑर्डर बुक एंड पीएनएल देख लेते हैं। वेलकम टू चैनल विपुल दिस साइड। चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कहाँ पे वॉक कर सकता है। ऑप्शन चेन देखेंगे, मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, और आज का ऑर्डर बुक और पीएनएल भी देखते हैं। क्योंकि आज एज एन मैं एक तो ऑप्शन सेलर हूँ, बट मार्केट आज कंप्लीटली ऊपर गया, बट स्टिल ज़्यादा ऐसे मार्केट में नहीं ट्रैक कर पाता हूँ। बट मैं ऑर्डर बुक शो करूँगा कहाँ पे बाय कैसा सेल किए हैं, क्या प्रीमियम बाई सेल किए थे, ठीक है। सो वीडियो अंत तक बने रहना, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और ये मोमेंटम कैसे एकदम आया, इसके पहले ही मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट की थी। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सो होप से सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मेरे पास ये कुछ न्यूज़ ओपन है। सबसे पहली तो आज शार्प मोमेंटम है, उस पर हम थोड़ी देर से बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगी अडानी ग्रुप टू इन्वेस्ट रुपीज़ ये दिस मच 1,30,000 करोड़ इन फाइनेंशियल 2025। अडानी ग्रीन टू इन्वेस्ट द 34,000 करोड़ टू सेटअप 6.7 GHz, मतलब ये कोई पावर प्लांट डाल रहे होंगे, ठीक है। हैव 4.2 बिलियन कंज्यूमर इंटरेक्शन अक्रॉस बिजनेस इन एन ईयर, ठीक है। ये बोला है ये जोगेशंदर सिंह, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अडानी इंटरप्राइजेस, ठीक है। सो ये एक अपडेट है ग्रुप को लेके, ये कहीं ना कहीं मार्केट को पॉजिटिव रख रहा है, ठीक है। ICICI बैंक मिड कैप हिट्स $100 बिलियन, ठीक है। मतलब ये ICICI बैंक के लिए एक और अचीवमेंट है, शायद ये सिक्स्थ इंडिया के ऐसी सिक्स्थ फर्म है जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है। सो चलिए इसको अभी साइड में रखते हैं और डिस्कस करते हैं आज के मार्केट के बारे में। सबसे पहली चीज़ देखो, नो डाउट मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया, ठीक है। इसको ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और शो करता हूँ मार्केट ऊपर क्यों गया, ठीक है। जस्ट मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था दैट जब मैं ट्रेड कर रहा था। मैं ऑर्डर बुक एंड पीएनएल भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा रुको। यहाँ पे देखो, ये एक मैंने स्क्रीनशॉट सही टाइम पे ले लिया था। जस्ट ये अजीब से रिएक्ट कर रहा है, ये मैंने जस्ट गिव मी वन मिनट, आई थिंक ये गलत कुछ, हाँ फिर से ट्राई करते हैं वन मोर टाइम। हाँ, ये मैंने लिया था यहाँ पे, अगर आपको टाइमिंग दिख रही हो 11:40 मान लेते, 11:40 पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। यहाँ पे मुझको क्या दिख रहा था कि जो इन द मनी, डीप इन द मनी के जो कॉल सेलर्स हैं ना, ये लोग पोजिशन एग्जिट कर रहे थे। अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो तो आपको पता चलेगा कि क्यों लोग बोलते हैं ऑप्शन चेन, कई लोग नहीं मानते बट स्टिल मैं वॉच करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ से पोजीशंस एग्जिट हो रही थी, कॉल सेलर्स एग्जिट कर रहे थे, दत्तू के जो पुट सेलर्स हैं उनकी पोजीशन बढ़ रही थी। यहाँ पे परसेंटेज देखो 1400%, 1200%, ठीक है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा पोजीशंस अपनी क्रिएट कर रहे थे, दत्तू के अदर हैंड सेलर्स एग्जिट कर रहे थे। एज एन कॉल सेलर, मैं कट्टर कॉल सेलर हूँ बट इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मार्केट ऊपर जा रहा है और मैं अपनी मैं स्टिल कॉल सेल करता रहूँ, ऐसा नहीं है। फर्स्ट मैं ट्रेडर हूँ, आफ्टर दैट मैं कॉल सेलर हूँ, ठीक है। सो मार्केट यहाँ पे दिख रहा था कि मार्केट फुल लॉन्ग पॉजिटिव लग रहा है, कुछ बड़ा मोमेंटम हो सकता है। दैट टू के देखो, मार्केट स्टिल यहाँ पे मुझको लग रहा था कि पॉजिटिव है, ऊपर जाना है। दैट टू के कब 11:40 पे मोमेंटम कब आया, 12:30 बजे पहले ही ट्रैक कर लिया था। बट स्टिल मैं एज एन कॉल सेलर, मुझको पॉजिटिव मार्केट नहीं है पसंद, ठीक है। तो ऊपर जा रहा था, मैंने सोचा अब छोड़ो यार, कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, आज आए थे बैठे थे तो थोड़ा सा कुछ अगर प्रॉफिट नहीं लेते तो वो खराब लगता, तो इसलिए एक छोटा सा हमने ट्रेड लिया था, वो अभी मैं आपको शो करूँगा। दो ट्रेड लिए थे, सेल किए थे हमने, शो करता हूँ, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। अभी चलिए इसको साइड करते हैं और पहले देख लेते हैं कैसे मार्केट अभी आने वाले टाइम में रिएक्ट कर सकता है। PNLM और वो ऑर्डर बुक लास्ट में मैं शो करूँ, शेयर करूँगा, बट इसको ज़रूर देखना, आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे पास बैंक निफ्टी ऊपर, दैट टू के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे बहुत बुलिश बन चुका है निफ्टी, है ना। मतलब कहीं से नहीं छोड़ रहा है, कॉल सेलर्स की तो समझ लो वाट लगा दी है, और कॉल सेलर के लिए भी मार्केट बहुत डेंजरस भी हो चुका है। स्टिल मार्केट इज पॉजिटिव, अब 43,000 मुझको नहीं लग, सॉरी 53,000 हो सकता है हमको देखने के लिए मिल जाए, दैट टू के बैंक निफ्टी में। स्टिल ये एक हमारे लिए लेवल है, कल अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप अप देखो डायरेक्ट कहाँ पे क्लोजिंग दी इसने, अराउंड ये 52,600 हम नियर बाय ले लेते, मार्केट 2-400 पॉइंट ऊपर भी ओपन हुआ तो पहला रिवर्सल के लिए ट्रेड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग इतना जो लोग ट्रेड लेके गए हैं ना, ये लोग डेफिनेटली कल गैप अप के लिए एक्सपेक्टेशन रहेंगे। गैप अप ओपन हुआ, पहला एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मार्केट हो सकता है ये लोग अपनी पोजीशन क्लोज करें, अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, देन मार्केट एक नीचे आ जाए तो उसका एडवांटेज हम उठाएंगे। दैट टू के 22,500 हमको एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, अच्छा खासा हमको सपोर्ट दिख रहा है। 53,000 के ऊपर कहीं अगर ये सब्सटेन करता है देन फिर हो सकता है और ऊपर चला जाए, क्योंकि फिर मैं नहीं इंटरेस्टेड रहेगा।
बुलिश मार्केट में यार ट्रेड करना बहुत दिमाग खराब का काम है ना। आज मैंने ट्रेड किए थे, मैं बताता हूँ, मैंने एज एन कॉल सेलर हूँ, बट स्टिल मैंने पुट सेल करके आज पैसा बनाया है। और थोड़े बहुत पॉइंट नहीं कैप्चर किए मैंने, 91 पॉइंट्स कैप्चर किए, ठीक है, जबकि मैं हूँ भी नहीं, जबकि मैं पुट सेलर हूँ भी नहीं, बुलिश मार्केट में मुझको पसंद है भी नहीं, बट स्टिल ट्रेडर फर्स्ट हूँ। मैंने हर बार बोला मेरी सेटअप और मेरा जो माइंडसेट साइकोलॉजी बोलेगा जो मैंने इतने समय में डेवलप किया है, दैट हेल्प्स मी। सो देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया, फिर अब कहा, सॉरी कल के लिए बात कर रहे थे, है ना। सो वही है, 53,000 से रिजेक्शन समथिंग या गैप अप साइड डाउन साइड के लिए, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, देन फिर वेट करना पड़ेगा 50 EMA के। देखो अभी फिलहाल कोई EMA वगैरह नहीं काम कर रहा है, 52,000 के नीचे ही मार्केट सेलिंग साइड के लिए नेगेटिव होगा। ऑप्शन चेन ओपन करके देखोगे तो 52,000 पे पूरी दुनिया जहाँ आके बैठ गई है। देखो वन साइडेड सपोर्ट बना हुआ है, अब जब तक ये लोग एग्जिट नहीं करेंगे, इनका 72 का प्रीमियम है, जब तक ये 5 3 5 रुपये का नहीं होगा, जब तक ये लोग एग्जिट नहीं करेंगे, समझ रहे हो। बट कल मंथली एक्सपायरी है, 3 PM पे एक मोमेंटम हो जाता है कभी कभी, जो कि मैं आपको सेटअप भी सेटअप क्या नॉर्मली ही रहता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ओपन कर लेना है, 55 मिनट टाइम, 15 या 5 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लो, है ना। हालांकि जाना है तो वो किसी में भी चला जाता है। और फिर उसके बाद जैसे ही जो 3 बजे से लेके 3 5 की जो कैंडल बनेगी, वो जहाँ पर ही ब्रेकआउट देगी उस साइड हमको ट्रेड देखना है, क्योंकि 3 बजे मार्केट शूट करना है तो वो उसी तुरंत करने लगता है, फिर बाद में कैप्चर में नहीं आता है, ठीक है। बट अब ये वर्क नहीं करता, जब एक्सपायरी एक थी तब बहुत अच्छे से वर्क करता, अभी तो खत्म हो गया काम इनका। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव मार्केट बिल्कुल नहीं है, ओनली 52,000 के लिए, जब तक ऊपर है साइडवेज टू बुलिश के लिए हम मार्केट देखेंगे। निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी आज वीक लग रहा था, मैंने इसमें नहीं ट्रेड किया, वीक लग रहा था, बट स्टिल ये यहाँ पे देख सकते हो साइडवेज रहा है, फिर जब इसने ब्रेकआउट दिया, अभी मैं बताता हूँ रीज़न क्या है, ब्रेकआउट दिया वन साइड शूट गया है, मतलब समझ लो जो इसलिए मैं करता नहीं इंस्ट्रूमेंट। आज फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, मैंने उसमें किए नहीं, इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं करो, जिस एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो उसी को फोकस करो, उसी पर कॉन्सेंट्रेट करो, वही पैसा बना के देगा। सो बी ऑन विच एवर यू विच एवर इंस्ट्रूमेंट यू लाइक, ओके। सो आपकी मर्जी जिसमें आपको करना हो, अभी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको शो करता हूँ। उसके बाद अभी आपको दिख रहा होगा मेरे पास ICICI बैंक और HDFC बैंक ओपन, ये देखो आज सडनली 12:30 बजे, ये दोनों अगर आप देखोगे तो 12:30 बजे समथिंग, कितने बड़े बड़े। HDFC ने तो हालांकि स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिया था, जैसे इसने 1700 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था इसको ब्रेक किया था, बट इसको ICICI बैंक ने सपोर्ट किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 6th फर्म बन चुकी है जो कि 100 मिलियन डॉलर की उसमें रेंज में आ चुका है, ठीक है। तो एकदम से मार्केट प्रॉपरली शूट करके जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी सबको लेके ऊपर भागा, ठीक है, और जिसमें वन साइड कॉल सेलर थे जो डेरिवेटिव वाले वो खत्म हो गए, ठीक है। अभी चलिए आज का ऑर्डर बुक एंड PNL देख लेते हैं। होप से अभी आपको देख रहा होगा मेरे पास मेरी ये ऑर्डर बुक ओपन है आज की। आज मैंने अराउंड 9:45 पे पुट सेल किया था डेट टू के 50,000 का, है ना। जून क्वांटिटी हम हाइड रखेंगे, खाली मेन मोटिव पे चलेंगे क्या कैसा रहा, जिसको मैंने 293 पे सेल किया था, 100 पॉइंट्स का मेरा टारगेट रहता है, बट डेट टू के कॉल सॉरी पुट सेल करने में थोड़ा सा झिझक लगती है, इस कारण से ज़्यादा नहीं अराउंड 75 to 80 पॉइंट्स एक ट्रेड में बुक किए थे, 218 पे हमने एग्जिट कर दिया था, बाय कर लिया था, मैंने कॉल सेल किया था। और एक और क्वांटिटी मैंने 1140 पे बनाई थी, ठीक है, मतलब ये मैंने बनाई थी 361 मैंने सेल किया था 52,300 का पुट, दैट टू के 345 पे, क्योंकि नीचे जाके फिर रिवर्सल कर रहा था, देन मैंने फिर क्योंकि मैंने बताया ना कि वो बुलिश मुझको दिख रहा था FNO में, सॉरी FNO में क्या ही ऑप्शंस में ऑप्शन चार्ट में, बट स्टिल बुलिश मार्केट इज नॉट फॉर मी। सो तो जो भी 15-10 15 पॉइंट ब्रोकेज वगैरह निकाल के हमने एग्जिट कर दिए। क्वांटिटी हाइड रखें, क्वांटिटी कुछ ज़्यादा थी नहीं, है ना, शॉर्ट नॉर्मल ही थी, ठीक है। सो होप सी गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसमें ओवरऑल हमने 90 पॉइंट्स बुक किए। सो होप सी गाइस वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिली होगी, आने वाले टाइम में बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स आने वाले, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।